Weddings are always special. Whether a family member is getting married or a friend, you need to look exceptional. यहाँ बात सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं, बल्कि best दिखने से बनती है. And catching up with the latest trends, deciding what to wear, and getting the right makeup done are a couple of things you need an expert advice on. Welcome to Dazzler Eternal Love Yourself with me, Akriti Anand. Every episode will showcase a stylist, a makeup artist, and a photographer, where we take care of all your looks so that you can enjoy the precious moments of your life. मेरा नाम निरा शेख है. मैं 24 साल की हूँ और मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन. मैं आज लव योरसेल्फ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि लास्ट मंथ मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग थी, तो मैंने पार्लर से अपना मेकओवर कराया था विद हेयर स्टाइल एंड फुल मेकअप. बट एट द एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो मेकअप एंड आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट. यहाँ पे आके मैं वो सारी नई ट्रिक्स और टिप्स सीखना चाहती हूँ हेयर स्टाइल से रिलेटेड, मेकओवर से रिलेटेड, ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड, सो दैट मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है नेक्स्ट मंथ, तो मैं उसमें खुद मेकअप करके और कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव और ब्यूटिफुल लग सकूँ. हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड. इतना दूर क्यों है, पास आ जाइए. अब बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है नेक्स्ट मंथ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल इतने अच्छे से ग्रूम किया जाए कि मैं बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल लगूं. बिकॉज लास्ट मंथ मेरी एक और फ्रेंड की वेडिंग हुई थी एंड आई वाज नॉट लुकिंग दैट मच प्रिटी. वेल स्वीटहार्ट, आई टोटली गेट यू. जब आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है तो ब्राइड के साथ साथ आपको भी सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई नो द राइट स्टाइलिस्ट वेयर आई शुड टेक यू, जो आपको बिल्कुल अलग लुक दे देंगे एंड यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अलोंग विद योर लवली ब्राइड. ओके, आई एम एक्साइटेड. निदा, मीट अभिमन्यु. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेल अभिमन्यु, निदा की बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है और इनको आउटफिट के लिए आपकी हेल्प चाहिए. निदा शेख को फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो एक बहुत ही शर्मीली सी, क्यूट सी, प्रिटी सी गर्ल मुझे दिखाई दे रही थी, जो कि अपने लुक्स को लेके काफी कॉन्शियस थी. बिकॉज लास्ट टाइम जब अपनी फ्रेंड की मैरिज में उन्होंने साड़ी पहनी थी वो उनपे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था. निदा ने ये भी हमें बताया कि उनको इस बार साड़ी नहीं पहननी है और साथ ही में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जो कि फर्स्ट टाइम हो और लोग देखते रह जाएं. आई हैव अ परफेक्ट ड्रेस फॉर यू. ये गाउन लग रहा है ना आपको? Wow, this is so beautiful. But this is not a gown. Oh. This is a fusion outfit. Okay. जो कि जैकेट की तरह आप पहन सकते हैं. इस आउटफिट को आप डेनिम्स के साथ भी पहन सकते हैं और ट्यूब टॉप को एज अ इनर भी पहन सकते हैं. Okay. Okay. इसमें जो ट्विस्टेड प्लीट्स हैं, ये बहुत ही ट्रेंडी लगेंगे. साथ ही में जो इसका ब्लू कलर है वो आपको स्लिम भी दिखाएगा और टॉल भी दिखाएगा. Okay. Okay. Yeah. Wanna try this outfit? Yeah, I surely wanna try this. और इसी के साथ में इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सेसरी की भी जरूरत है. हाँ. Can you hold this? Yeah, sure. We will try these earrings with this. Okay. And this ring in your hand. Wow, this is so beautiful. कैसे लगा? ये बहुत प्यारा है. प्यारा I है? Like these. Hi, Nida. Hi. आपने सिलेक्ट किया गारमेंट? Yeah, this is my fusion outfit. All right, so we will give you this outfit to try, but आपको अपनी स्किन फ्लॉलेस दिखानी है और उसके लिए आई विल टेक यू टू माय डैज़लर एटर्ना मेकअप एक्सपर्ट. हेलो निदा. हेलो मैम. निदा अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जाना चाहती थी पर उनको टिपिकल कोई वेडिंग लुक टाइप नहीं चाहिए था. वो एकदम बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बनना चाहती थी. उनकी ड्रेस भी वैसी थी तो इसलिए मैंने उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक देने का सोचा. आपकी स्किन ऑयली ही है, आपको एक्ने भी हो रही है और कुछ जगहों पे एक्ने स्कार्स भी हैं. हाँ. निदा के इस लुक को अचीव करने के लिए मैंने उनके स्किन पे सबसे पहले डैज़लर एटर्ना का परफेक्ट ग्लो प्राइमर अप्लाई करा. इसकी एक थिन लेयर आप अपने स्किन पे अप्लाई करोगे ओवरऑल फेस पे. ये मेडिकली टेस्टेड है. आप इसको अप्लाई करोगे तो स्किन में कोई एक्ने जैसे कोई इशू वापस नहीं आएगी. ठीक है. ठीक है. कंसीलिंग के लिए मैंने यूज करा डैज़लर एटर्ना ट्रिपल सी पैलेट. बेसिकली ये 3-in-1 पैलेट है. इसमें कंसीलर्स हैं, कॉन्टो है, हाइलाइटर्स हैं. अच्छा, 3-in-1. 3-in-1 है. आपको अलग अलग परचेज नहीं करना पड़ेगा. आप सबसे पहले अपना जो आई एरिया जो है उसको कंसील करोगे.
अगर आपका जैसे ये आई एरिया जो है वो काफी डार्क कलर का है, अगर आप इसी पे अपना आई शेडो अप्लाई करोगे तो आपका जो आई शेडो का जो कलर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आप कंसील करके लगाओगे तो आई शेडो का कलर एक्चुअली पता लग पाएगा। उनके आईज पे ये ब्यूटीफुल लुक मैंने दिया डैसलर टर्ना एनचांटे आई शेडो पैलेट से, उसमें शिमरी शेड्स से मैंने उनको यूज करा, शिमरी ब्लू कलर को मैंने यूज करा, शिमरी सिल्वर कलर को मैंने यूज करा, ताकि उनके आईज पे ये जो आई मेकअप है वो बहुत ज्यादा निकल के आए, बहुत ब्यूटीफुल और बोल्ड लुक आए। कंसीलिंग की बहुत ज्यादा नीड थी उनके फेस पे, तो मैंने डैसलर टर्ना की मैजेस्टिक मेकअप स्टिक को यूज करा ताकि उनके जो फेस के जितने भी स्पॉट्स हैं वो पूरी तरीके से छुप जाएं। उनके फेस के ऊपर जब मैंने फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया वो था डैसलर टर्ना का मार्वलस फाउंडेशन। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है और फुल कवरेज के साथ आता है। मैंने उनको ये समझाया जब उनके स्किन पे इतने स्पॉट्स थे तो उनको एक फुल कवरेज फाउंडेशन को लगाना चाहिए। अगर वो बहुत ही शेयर कवरेज का या बहुत मीडियम कवरेज का फाउंडेशन लगाएंगी तो थोड़ी देर बाद उनके जो भी स्किन पे इश्यूज हैं वो वापस दिखने लगेंगे। उनके फेस के मेकअप को लॉक करा डैसलर टर्ना के शेयर ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर से ताकि उनका जो फाउंडेशन जो है वो भी लंबे समय तक बना रहे, उनके स्पॉट्स जो है वापस दिखे नहीं। काजल में मैंने यूज करा डैसलर टर्ना काजल सुप्रीम, जो एक स्मच प्रूफ काजल है ताकि उनका आई मेकअप और ज्यादा ब्यूटीफुल और बोल्ड लगे। निदा के चीक्स पे मैंने अप्लाई करा आईटेक्स डैसलर ब्लश इन द शेड ऑफ पिंक। निदा के लिप्स पे मैंने अप्लाई करा डैसलर टर्ना का लॉन्ग स्टे लिप कलर को इन द शेड ऑफ सॉफ्ट पिंक, जो उनके ओवरऑल लुक के साथ अच्छा लग रहा था क्योंकि आईज मैंने बहुत बोल्ड रखी थी इसलिए लिप्स को मैं एक सॉफ्ट लुक देना चाहती थी, और ब्लू के साथ पिंक के शेड्स बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसलिए मैंने उनको बहुत सॉफ्ट पिंक में उनको लिप शेड दिया। लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए मैंने यूज करा डैसलर टर्ना मस्कारा, दिस इज अ हर्बल प्रोडक्ट। निदा के नेल्स पे मैंने अप्लाई करा डैसलर टर्ना नेल ग्लिटर इन द शेड ऑफ ब्लू। निदा का जो फेस था वो थोड़ा ब्रॉड की तरफ है इसलिए मैं चाहती थी कि उनको एक ऐसा हेयर स्टाइल दूं जो कि बहुत ग्लैमरस भी हो और थोड़ा फंकी भी हो और ओपन हेयर के साथ हो ताकि उनके ओवरऑल लुक पे वो अच्छा भी लगे और उनका जो फेस जो है वो ज्यादा ब्रॉड ना दिखे, इसलिए मैंने उनको सेंटर ब्रेड दी और उनके ओवरऑल जो बाकी हेयर थे उनको मैंने ओपन कर्ल्स के साथ रखा, जो उनके ओवरऑल फेस पे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, ग्लैमरस लग रहा था और बहुत फंकी लग रहा था। So Nida, how are you feeling? I'm feeling so excited to see myself because यहाँ पे सुबह से कोई मिरर नहीं थे और मुझे अपने आप को देखना है बिफोर एंड आफ्टर, तो मैं अपनी पूरी ड्रेस और अपना पूरा अटायर देखना चाहती हूँ। So I'm really so so much excited. तो क्या बोलते हो, दिखा दें? हाँ please, I'm eagerly waiting. Okay. So come here, turn around, and now open your eyes. Oh my God, is it me? So, मैंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा तो मैं बहुत ही स्टन्ड रह गई। It was such a awestruck moment for me because इससे पहले ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले नहीं देखा था अपना। The dress, the whole hairstyle, the eye makeup, oh my God, I'm looking so pretty and beautiful. I couldn't expect this, but seriously, this is wonderful. I really love it. So Nida, आपको एक और surprise दे दिया जाए? Surprise? Yeah. Okay. रेगुलर बेसिस पे बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल देखती हैं, बट वो मेरा मेकअप देख के बहुत खुश हुई और उनसे ज्यादा आई गेस मैं खुश हुई।
So to remember how you are looking today on Love Yourself, we are giving you a surprise photo shoot with our ace photographer, Abhinav Pardesi. This time around, I wanted to do a very simple, subtle shoot with her. Nothing big over there. But I wanted to play around with the poses. And that's what we did. I loved her smile and her features. So I wanted to highlight them in the shots. And that's what I worked with. Abhinav ne mujhe ek professional photo shoot se introduce karaya ki kaise poses aur kaise hum photo click karate hain as in professional manner aur ek perfectly princess attire wale look mein unhone mere bahut hi pyare photographs click kiye. I never thought mujhe itna acha transformation kabhi mil payega. So at last I would like to say thank you so much Dazzler Eterna, Love Yourself team for such wonderful transformation. Nida learned a lot about her body type, facial features and posing. She also fell in love with Dazzler Eterna makeup. And now it's your turn to be on Dazzler Eterna Love Yourself. The procedure is pretty simple. All you need to do is just drop in your details on dazzlereternaloveyourself@gmail.com and be here with me, Akriti Anand. I will see you next time. Until then, remember to love yourself.